So, hello friends, my name is Dr. Ellie. In the previous video, we have discussed about the vascular events of acute inflammation. Now, today we are going to discuss about the cellular events of acute inflammation. So, cellular events jo hote hain hamare acute inflammation ke, ye two types ke hote hain. Pehla hota hai isme exudation of leukocyte. Exudation of leukocyte, and the second one is phagocytosis. So exudation of leukocytes mein kya hota hai? Pehla hamara escape of leukocytes from the lumen of microvasculature to the interstitial space. So escape of leukocyte. From lumen of microvasculature to interstitial space. So what is exudation of leukocyte? Escape of leukocytes from lumen of microvasculature to the interstitial space. WBC, leukocytes, especially कौन से leukocytes यहाँ पे हमारे आते हैं acute inflammation में? Neutrophils. Neutrophils का blood vessel से interstitial spaces में आना, microvasculature कौन कौन से होते हैं हमारे? Arterioles, venules and capillaries. इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स. एंड इसमें सेकंड क्या आता है? न्यूट्रोफिल्स. न्यूट्रोफिल्स कंप्राइजेस द फर्स्ट लाइन ऑफ बॉडी डिफेंस. न्यूट्रोफिल्स कंप्राइजेस द फर्स्ट लाइन ऑफ बॉडी डिफेंस. हमारी बॉडी के डिफेंस में सबसे पहला कौन सा डब्ल्यूबीसी आते हैं? न्यूट्रोफिल्स. न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इसिनोफिल्स, जिसमें से बेसोफिल्स हमें ट्यूबुलर इन्फेक्शंस में दिखते हैं और इसिनोफिल्स हमें एलर्जिक कंडीशन में हेल्प करते हैं. फर्स्ट चेंजेस क्या होते हैं हमारे एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट का? चेंजेस इन फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड. Changes in formed elements of the blood. Elements of blood. So, rate of blood flow increases due to, पहला क्या हमने पढ़ा था कि rate बढ़ जाता है blood flow का. So, rate of blood flow increases due to vasodilation, prolonged vasodilation. Due to prolonged vasodilation. सेकेंड क्या होता है? विद स्लोइंग और स्टेसिस, चेंजेस इन द नॉर्मल एक्सियल फ्लो ऑफ ब्लड इन द माइक्रोवास्क्युलेचर टेक्स प्लेस. हमने पढ़ा था जब स्लोइंग होगी या फिर जब स्टेसिस होता है, जो हमारे माइक्रोवास्क्युलेचर में भी चेंजेस आते हैं, आर्ट्रियोल्स में चेंजेस आते हैं, वेन्यूल्स में आते हैं और कैपिलरीज में भी चेंजेस आते हैं. सपोज दिस इज आर कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स. एंड इन नॉर्मल एक्सियल फ्लो, नॉर्मल एक्सियल फ्लो कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल स्ट्रीम्स ऑफ सेल विच इज कंप्राइज मेनली डब्ल्यूबीसीज एंड आरबीसीज. सो सेंटर में डब्ल्यूबीसी हमने ले लिया, आरबीसीज हमने ले लिए, जो फ्लो करते हैं ब्लड वेसल से. एंड पेरिफेरी कंटेन्स प्लाज्मा सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स. ये नॉर्मल होता है. नॉर्मल एक्सियल फ्लो में क्या होता है कि हमारे जो पेरिफेरी होते हैं, सो पेरिफेरी पे हमारा प्लाज्मा प्रोटीन होता है और प्लाज्मा सेल्स होते हैं, जबकि हमारे जो सेंटर होते हैं, सेंटर में हमारे आरबीसी फ्लो करते हैं और डब्ल्यूबीसी फ्लो करते हैं. बट इन केस ऑफ इंजरी
और ड्यू टू स्लोइंग, स्लोइंग की वजह से क्या होता है कि जो हमारा सेंट्रल स्ट्रीम है ये वाइडन हो जाता है, सेंट्रल स्ट्रीम वाइड हो जाता है, जबकि पेरिफेरी क्या हो गया हमारी नैरो हो जाती है, पेरिफेरी नैरो हो जाएगी और सेंट्रल स्ट्रीम वाइड हो जाएगा ड्यू टू स्लोइंग की वजह से, स्लोइंग की वजह से ऐसा होता है। सो इसको और इस केसेस में क्या होता है, प्लाज्मा का लॉस होने लगता है फ्रॉम ब्लड वेसल्स टू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस, लॉस ऑफ प्लाज्मा। Due to exudation, इस फिनोमिना को हम कहते हैं मार्जिनेशन। मार्जिनेशन क्या होता है, प्लाज्मा सेल्स का और प्लाज्मा प्रोटीन का पेरीफेरी से, जब पेरीफेरी नैरो हो जाती है इन केस ऑफ स्लोइंग ऑफ ब्लड, सो पेरीफेरी से बाहर निकलने लगना, यहाँ पे हमारे एंडोथेलियल सेल्स होते हैं उनकी, जिसकी वजह से जब उनमें गैप ज्यादा होते हैं तो हमारा जो प्लाज्मा सेल प्लाज्मा प्रोटीन होता है बाहर निकलने लगता है ब्लड वेसल्स से टू द इंटरस्टीशियल सेल्स या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं मार्जिनेशन। सो चार प्रोसेस होते हैं हमारे सेलुलर इवेंट्स में, पहला आता है मार्जिनेशन, फॉलोड बाय रोलिंग, एडहेशन एंड द लास्ट वन इज ट्रांसमाइग्रेशन, जिसमें से मार्जिनेशन हमने पढ़ लिया है। अब नाउ अब हम आते हैं रोलिंग पे। सो रोलिंग क्या होती है, ये हमारे एंडोथेलियल सेल्स हैं, अभी हमने पढ़ा कि सेंटर में आरबीसी फ्लो करते हैं, डब्ल्यूबीसी फ्लो करते हैं, रोलिंग क्या होती है, डब्ल्यूबीसी का सेंटर से पेरिफेरी पे आना, पेरिफेरी पे एंडोथेलियल सेल्स के साथ आके अडियर हो जाना एंड देन एक एंडोथेलियल सेल से नेक्स्ट एंडोथेलियल सेल्स पे चले जाना और फिर डायपेडेसिस प्रोसेस के जरिए डब्ल्यूबीसी बाहर निकल आते हैं फ्रॉम दी ब्लड वेसल से। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रोलिंग। रोलिंग का मतलब क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का सेंटर से पेरिफेरी पे आना और फिर एक एंडोथेलियल सेल से रोल होके दूसरे एंडोथेलियल सेल्स पर चले जाना। एडेशन का मतलब जब जब डब्ल्यूबीसी हमारा सेंटर से पेरिफेरी पे आए तो एक एंडोथेलियल सेल के साथ एडियर हुआ फिर दूसरे के साथ, तो जब ऐसे जगह जहां पे वो क्या बोलते हैं डब्ल्यूबीसी हमारा एंडोथेलियल सेल इतना ज्यादा एडियर हो जाए कि फिर वो आगे आगे फर्दर रोल ही ना कर पाए, तो एडेशन का मतलब ये होता है। अब एडेशन की वजह से क्या होता है, जब एडेशन बहुत ज्यादा हो गया तो एडेशन कॉज करता है लूजेस ऑफ द एंडोथेलियल सेल्स। सो रोलिंग एंड एडिशन में कौन सी चीजें हेल्प करती हैं, रोलिंग में हमारे एडिशन में सिलेक्टिन्स हेल्प करते हैं और इंटरग्रेन्स हेल्प करते हैं। सिलेक्टिन्स क्या होते हैं, इंटरग्रेन्स क्या होते हैं, व्हाट इज सिलेक्टिन, सिलेक्टिन्स आर एक्सप्रेस्ड ऑन द सर्फेसिस ऑफ activated endothelial cells which recognizes specific carbohydrate group found on the surface of neutrophils. So selectins hamare kahan pe expressed hote hain, on the surfaces of activated endothelial cells. So expressed